दोस्तों, आपने सोयाबीन के बारे में तो जरूर सुना होगा, और अगर आप जिम करते हो तो आपने सोया प्रोटीन के बारे में भी जरूर सुना होगा, क्योंकि सोयाबीन से कितनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है यह बात जिम जाने वाले लोग भली बातें जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन खाने से होने वाले फायदों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश नागर और स्वागत है आप सभी का द पावर ऑफ आयुर्वेदा में। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोयाबीन खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, फास्फोरस, कॉपर, यानी कि इससे हमारे शरीर में 9 से 10 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छी तरह से हो जाती है। इसलिए अगर आप जिम करते हो या फिर अपना वजन बढ़ाना चाहते हो तो आप सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग कैसे करना है यह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी पाचन क्रिया स्ट्रांग हो तो आप 40 से 50 ग्राम सोयाबीन को शाम को सोते समय पानी में भिगो दें और फिर सुबह उठकर इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लें। चबा चबा कर इसलिए खाना है क्योंकि इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया उसे आसानी से नहीं पचा पाती। और अगर आप इस तरीके से सोयाबीन को नहीं खा पा रहे हो तो मैं आपको एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ, जो कि सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, और जिन लोगों की पाचन क्रिया कमजोर है उन्हें भी यह तरीका आजमाना चाहिए। इसके लिए आपको बाजार से सोयाबीन का आटा खरीद लेना है या फिर आप घर पर ही सोयाबीन को सुखाकर इसका आटा बना सकते हैं। इसके बाद इसे गेहूं के आटे के साथ मिला लें, फिर बाद में आप जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इस आटे की रोटी बनाकर खाएं। अगर आप इस तरीके से सोयाबीन का सेवन करेंगे तो जल्दी ही आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर एक सुडोल शेप में आना शुरू कर देगा। और वैसे तो जिम या वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए बाजार में सोया प्रोटीन भी अवेलेबल होता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, हर कोई उसे नहीं खरीद पाता। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि सोयाबीन में मांस और अंडे से भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और सोयाबीन खाने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन खाने से मैन बूब्स हो सकता है, इसलिए आप सोयाबीन का सही मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करेंगे तो यह आपके शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। तो दोस्तों, यह थे सोयाबीन खाने से होने वाले फायदे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और भी हेल्थ एंड आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियाँ और टिप्स पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।